हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। माघ कृष्ण प्रदोष 2023 19 या 20 जनवरी जाने सही तिथि। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त आज जरूर करें ये एक काम। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत सुख भाग्य धन आदि को बढ़ाता है। इसके प्रभाव से जातक के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन कृष्ण और शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल में की जाती है। साल 2023 में माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन है, इसीलिए यह गुरु प्रदोष होगा। आज हम आपको माघ कृष्ण प्रदोष व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताएंगे। माघ प्रदोष शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में माघ कृष्ण प्रदोष व्रत 19 जनवरी गुरुवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 5:49 से रात्रि 8:30 तक। माघ कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 19 जनवरी दोपहर 1:18 पर। माघ कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 20 जनवरी प्रातःकाल 9:59 पर। गुरु प्रदोष पूजा विधि। माघ मास की त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव की पूजा के लिए शिव प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें या फिर किसी शिव मंदिर में पूजा संपन्न करें। पूजा के लिए प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। भगवान शिव को खीर का नैवेद्य अर्पित करें और गुरु प्रदोष व्रत कथा पढ़कर संपूर्ण शिव परिवार की आरती करें। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से करना चाहिए, इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन त्रयोदशी के दिन ही करना शुभ माना गया है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें और फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर हवन करें। हवन पूरा होने के बाद भगवान शिव की आरती कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उद्यापन की विधि पूरी करनी चाहिए। गुरु प्रदोष उपाय। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में शक्कर और लाल फूल डालकर अर्घ दें। इस उपाय से व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित जल का अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए गुरु प्रदोष के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए नंदी यानी बैल को हरी घास खिलानी चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए इस दिन घर में पारद से निर्मित शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन पूजा करने से लाभ होता है। प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराकर बेलपत्र अर्पित कर साबुत चावल की खीर और फल का भोग अर्पण करें, इससे मनोकामना पूरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।